नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्स अनफोल्डेड के यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपने पिता द्वारा लिए गए संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी और उनके द्वारा बताए गए रास्ते को अपनाते हुए आज भी किसानों की लड़ाई को बखूबी तरह से लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के छोटे बेटे राकेश टिकैत के बारे में। 1993 में दिल्ली के लाल किले पर महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में चल रहा किसान आंदोलन सरकार के पैरों में कांटे की तरह चुभ रहा था। इसके चलते सरकार द्वारा राकेश टिकैत, जो उस वक्त दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे, उन पर दबाव बनाया गया कि वो अपने पिता को समझाएं और आंदोलन को खत्म करवाएं। इसका असर ये हुआ कि राकेश टिकैत ने अपनी दिल्ली पुलिस की नौकरी से रिजाइन कर दिया और खुद भी उस आंदोलन में कूद पड़े। तब से लेकर आज तक राकेश भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और मुखरता से किसानों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत का जन्म 4 जून 1969 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पड़ने वाले सिसौली गांव में हुआ था। हिंदू जाट परिवार में जन्मे राकेश टिकैत के स्वर्गीय पिता महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रधान और बलियान खाप के चौधरी थे। 2011 में बोन कैंसर के चलते बाबा टिकैत का देहांत हो गया था। राकेश की माता का नाम बलजौरी देवी है। राकेश के 3 भाई हैं, जिनमें सबसे बड़े भाई नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, सुरेंद्र टिकैत मेरठ की एक शुगर मिल में मैनेजर हैं और सबसे छोटे भाई नरेंद्र टिकैत खेतीबाड़ी का काम संभालते हैं। इसके अलावा नरेश टिकैत की 2 बहनें भी हैं जिनके नाम के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। राकेश टिकैत की पत्नी सुनीता देवी एक गृहिणी हैं। सुनीता देवी के साथ राकेश टिकैत के 3 बच्चे हैं, एक लड़का चरण सिंह टिकैत और 2 लड़कियां सीमा और ज्योति। राकेश टिकैत ने 8वीं तक की पढ़ाई मुजफ्फरनगर के DAV इंटर कॉलेज और 10वीं और 12वीं की पढ़ाई मुजफ्फरनगर के बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन से की। इसके बाद BA की पढ़ाई के लिए मेरठ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और साथ ही साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करके दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का पद हासिल कर लिया। 1993 में भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़ने के बाद 1997 में राकेश को भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्र प्रवक्ता बना दिया गया। 2011 में महेंद्र सिंह टिकैत के निधन के बाद बलियान खाप की परंपरा के मुताबिक बड़े बेटे नरेश टिकैत को पगड़ी पहनाकर भारतीय किसान यूनियन का लीडर घोषित किया गया, लेकिन व्यवहारिक तौर पर भारतीय किसान यूनियन के सभी अहम फैसले राकेश टिकैत ही लेते हैं। किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते राकेश टिकैत 44 बार जेल में जा चुके हैं। महेंद्र सिंह टिकैत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर रहने के स्टैंड से उलट जाते हुए राकेश टिकैत 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। पहली बार 2009 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर की खटौली सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े और दूसरी बार 2014 के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल की टिकट पर अमरोहा की सीट से लड़े। लेकिन दोनों ही बार न ही उन्हें सिर्फ हार का सामना करना पड़ा बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून बिल पास करने के बाद पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य स्टेट्स के किसानों ने आंदोलन के जरिए लगातार 3-4 महीने से किसान बिल वापस करने के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पर धरना दे रहे हैं। इसी आंदोलन में शामिल राकेश टिकैत किसानों की मुख्य तौर पर आवाज बनकर उभरे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राकेश टिकैत से जुड़ी कोई अन्य जानकारी अगर आपके पास है तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अन्य पर्सनालिटी की बायोग्राफी के साथ, उनकी जिंदगी से जुड़े अनसुने किस्सों के साथ। तब तक के लिए हमारा साथ देते रहिए। शुक्रिया। टेक केयर।